गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? फाइन, वेरी गुड। और आप सब क्या कर रहे हैं? मस्ती कर रहे हैं, खूब है ना? चलो तो पढ़ाई करते हैं। आज हम पढ़े, अभी हम इंग्लिश, और हम क्या पढ़े थे? हम वॉवल्स पढ़े थे, और वॉवल्स में हम फोनिक साउंड आई पढ़ रहे थे, है ना? तो हम फोनिक साउंड आई तो समझ चुके थे, है ना? हमने पिक्चर देख के सर्कल भी कर लिया था। अब हम पिक्चर देख के मैच करेंगे उसके वर्ड से, ठीक है? तो मैच द पिक्चर विद करेक्ट वर्ड, मतलब एक तरफ पिक्चर से बनी हुई है और एक तरफ उसके करेक्ट नेम लिखे हुए हैं, तो आपको इन दोनों को मैच करना है, ठीक है? तो ये बना हुआ है हिल, राइट? हिल मतलब एक तो हम फोनिक साउंड आई पढ़े हैं तो सब में आई आएगा, और जिन जिन लेटरों से हमने ऐड करके पढ़ा है, जैसे इल, एल से ऐड करके, इन, एन से ऐड करके, इफ, ठीक है, पी से ऐड करके, बिन, इन, एन से ऐड करके, है ना? तो वैसे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है? अब हम ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये है हिल, ठीक है? हिल मीन्स पहाड़, है ना? पहाड़ी इलाकों पे हम जाते हैं तो वहाँ बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ होते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं हिल। तो अब हमें इन स्पेलिंग्स में से देखना है कि हिल कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले तो पी, यहाँ तो पी है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? हिल, हाँ, हिल मतलब एच, तो यहाँ तो पी आई एन लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, एच आई डबल एल, तो हिल, एच आई डबल एल, हिल से हा और एल, हिल, तो हम इसको मैच कर देंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट यहाँ पर बना हुआ है, क्या बना हुआ है? सेफ्टी पिन, पिन। सबको पता है सेफ्टी पिन क्या होता है, सबने देखा है सबके घर में, स्पेशली मम्मा के पास होता है ना? तो अब हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? पिन, हम क्या बोलते हैं? पिन, पिन मतलब पा, मतलब पी, तो यहाँ पर क्या लिखा है? पी आई एन, पिन, तो हम इसको मैच कर देंगे, ठीक है? ऐसे ही अब यहाँ पर बना हुआ है बिन, बिन, बिन मतलब डस्टबिन भी होता है और बॉक्स भी होता है, ठीक है? बिन, तो बिन मैं बोल रही हूँ बिन, बिन ना, बी मतलब बा, बे, इन, बी। तो हम देखेंगे बिन कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा हुआ है, हम इसे मैच कर देंगे, ठीक है? और ये बनी हुई है जिप, तो लास्ट बचा है, इसे मैच कर देंगे। जिप मतलब चेन, जिपर जो आप बोलते हैं ना, ठीक है? तो ये होते हैं मैच द पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड, ठीक है? कि आपको पिक्चर देखनी है और जो उसकी करेक्ट वर्ड है उससे उन्हें आपको मैच करना है, ठीक है? और वो भी फोनिक साउंड आई के, है ना? और कोई फोनिक साउंड तो उसमें है नहीं, ए, ई, आई, है ना? सिर्फ आई है, तो उसी के फोनिक साउंड आई के वर्ड से ही हमें इसे मैच करना है, ठीक है? तो अब आप इसको देखिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ओके? थैंक यू।